चलें स्टार्ट करते हैं जी आज फिर प्रोटोटाइप। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। लेट मी एक्सप्लेन इजीली कि प्रोटोटाइप ऐसे होता है कि देयर आर सम ऑब्जेक्ट्स, सम थिंग्स, सम आइडियाज और सम एस्पेक्ट्स। प्रोटो का मतलब होता है अव्वल, पहले ही, इनिशियल, बुनियादी। टाइप का मतलब होता है चीज, किस्म, ठीक है, किसी भी किस्म से पहले ही। मुराद ये है कि जब भी हम कुछ चीज़ों को के नाम लेते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का नाम लेते हैं, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ों के नाम फौरी तौर पे हमारे जहन में आ जाते हैं, तो वो प्रोटोटाइप हो जाता है। मिसाल के तौर पे जब हम किसी शख्स के बारे में कोई बात करना चाहें, उस शख्स की बात ना करें हम उसकी किसी ट्रेट का, उसकी किसी करेक्टरिस्टिक्स का हवाला दे दें, तो फौरी तौर पे लोग वहां तक, वो एक शख्स बड़ा कंजूस है तो वो उस कंजूसी से प्रोटोटाइप है। मिसाल के तौर पे आप वर्ड बोलते हैं कंजूसी, तो आपके जहन में फौरी तौर पे एक बंदा आ जाता है और आप गुफ्तगू में कह देते हैं कि वो वाला। इसी तरीके से हम मुख्तलिफ चीज़ों के नाम लेते हैं। फर्नीचर का जब नाम लेते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में टेबल, चेयर और इस तरह की दो चार चीज़ें आएंगी। छोटी छोटी चीज़ें नहीं आएंगी, चीज़ें और भी पड़ी होंगी। अब वो चीज़ें प्रोटोटाइप हैं, अब उस चीज़ के साथ रिलेट कर जाती है। आगे इसकी कुछ एग्जांपल्स वगैरह भी पढ़ते हैं डिटेल। अब ये एक सोशियो लिंग्विस्ट है, रोज प्रपोजेज द कॉन्सेप्ट्स आर बेस्ट व्यूज एज प्रोटोटाइप्स। वो प्रोटोटाइप्स कहता है, अ बर्ड इज नॉट बेस्ट डिफाइंड बाय रेफरेंस टू अ सेट ऑफ फीचर्स that refer to such matters as wings, warm-bloodedness or egg-laying characteristics, but rather the reference of the typical instances so that the prototypical bird is something like more than robin, then it is like a toucan, penguin, ostrich or even eagle. This is the theory of prototype. अब जब भी हम किसी परिंदे का जिक्र करते हैं, मिसाल के तौर पर हम वर्ड बोलते हैं परिंदा, तो हमारे जहन में उसकी खसूसियात तो नहीं आती। ये परिंदा है, इसकी चोंच है, इसके पर हैं, इसका खून गर्म होता है और ये अंडे देता है, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। जब भी आपके सामने परिंदे का जिक्र किया जाता है, फौरी तौर पर किसी टाइप का परिंदा आपके जहन में आ जाता है जो आपने ज़्यादा देखा सुना या पढ़ा है। तोता आ जाता है, चिड़िया आ जाती है, मैना आ जाती है, कोयल आ जाती है, कोई भी परिंदा आपके जहन में आ जाता है। अब आपको फीचर्स नहीं पता, बर्ड का जिक्र किया गया, पूरी एक क्लास का जिक्र किया गया, लेकिन आपने उस क्लास के साथ चंद एक चीजों को अपने माइंड में ही प्री सपोज, पहले ही कहीं जगह दी हुई है, तो इस चीज को हम कहते हैं कि जब भी हम जिक्र करते हैं ना बर्ड का, तो हमारे जहन में रोबिन ये परिंदा है, चौकेन, पेंगुइन, ऑस्ट्रिच, ईगल वगैरह का जिक्र आता है। ये चीज प्रोटोटाइप कहलाती है। चीज का जिक्र किया जाए तो उससे रिलेटेड बहुत सी दूसरी मालूमात भी या दूसरे नाम भी, दूसरी चीजें भी आपके सामने आ जाएं। दैट इज कॉल्ड प्रोटोटाइप। अच्छा नाउ कम फर्दर। अच्छा बाद में ऐसा ये होता है कि जब भी हम प्रोटोटाइप जिक्र करते हैं ना किसी चीज का, अच्छा हमारे जहन में ना फौरी तौर पे कुछ बड़ी बड़ी चीजें आ जाती हैं, उससे रिलेट बाकी चीजें कोई नहीं आती। मिसाल के तौर पर जब भी जिक्र किया जाए फर्नीचर का, फर्नीचर का जिक्र किया जाता है तो फौरी तौर पे जहन में चेयर्स आएंगी, सोफाज आएंगे, टेबल आएगी, ज्यादा हुई ड्रेसिंग आ जाएगी। अब उससे रिलेटेड छोटी 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 चीजें हमारे माइंड में नहीं आएंगी। यानी कि बाज दफा सोसाइटी कुछ चीजों को प्रोटोटाइप करार दिलवाती है, कुछ चीजें प्रोहिबिटेड होती हैं, उनका जिक्र नहीं किया जाता। अब प्रोटोटाइप, जैसे मैंने आगे कंजूसी की बात की थी, इस तरह की भी थी, सोसाइटी कुछ चीजों के साथ कुछ चीजों को या उनकी कुछ खसूसियात को रिलेट कर देती है। वो यही वाली बात मैंने आपको अभी जो बताई ना कि बाज हम चीजों का जिक्र करते हैं, जब हम जिक्र करते हैं तो उसके साथ की बड़ी बड़ी चीजें हमारे जहन में आती हैं, छोटी छोटी नहीं आती। कहते हैं फर्नीचर का जब हम जिक्र करेंगे, so that whereas a chair is a typical item of furniture, an ashtray is not.
जब भी हम फर्नीचर का जिक्र करेंगे एस्ट्रे भी फर्नीचर के सामान में ही शामिल है, लेकिन हमारे जहन में एस्ट्रे तो नहीं आएगा पहले, हमारे जहन में चेयर आएगी, टेबल आएगा, ये बड़ी बड़ी चीजें आएंगी। अच्छा, दूसरे नंबर फ्रूट का जब भी जिक्र करेंगे, अक्सर फ्रूट का जिक्र करेंगे, सेब आएंगे, आलूचा वगैरह आएगा, अच्छा, और इस तरह की ढेर सारी चीजें हमारे सामने ना टिपिकल बन के आ जाएंगी, लेकिन हमारे जहन में फ्रूट का जिक्र करते हुए कोकोनट का और ऑलिव का जिक्र तो नहीं आएगा। इसी तरीके से जब हम क्लॉथिंग, जब भी हम कपड़ों का जिक्र करेंगे, फैब्रिकेशन की बात करेंगे, फैब्रिक्स की बात करेंगे, तो हमारे जहन में फौरी तौर पर कोट और ट्राउजर आएंगे, इस तरह के आइटम आ जाएंगे, छोटी छोटी चीजें, बनियान वगैरह, मोजे वगैरह, इस तरह की चीजें तो नहीं आएंगी। अच्छा, अब इस चीज से क्या साबित होता है? इस चीज से साबित ये होता है कि मुख्तलिफ चीजों को जो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं वो चंद एक मखसूस चीजों को दिए गए, वो उसकी प्रोटोटाइप कंसीडर होंगी, बाकी छोटी छोटी चीजें प्रोटोटाइप कंसीडर नहीं होंगी। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी के सामने जिक्र करेंगे कि भाई मेज और कुर्सी, ठीक है, मेज और कुर्सी किस चीज का हिस्सा है, आप फौरी तौर पे कह देंगे भाई फर्नीचर है, ये फर्नीचर का हिस्सा है। आपसे कोई बंदा पूछेगा एस्ट्रे किस चीज का हिस्सा है, आप बैठ के सोचना शुरू कर देंगे, यार एस्ट्रे आपको समझ नहीं आएगी, घर के मामूली आर्टिकल से इसका ताल्लुक है, किस चीज का ताल्लुक है, इसका ताल्लुक आप फर्नीचर के साथ नहीं जोड़ेंगे, हालांकि वो है। इसका मतलब है कि एस्ट्रे प्रोटोटाइप नहीं बन सका, लेकिन चेयर और टेबल जो है ना वो प्रोटोटाइप बन गए हैं। अच्छा जी, एंड आफ्टर दैट कहते हैं कि आप प्रोटोटाइप बेस्ड कॉन्सेप्ट कैन बी लर्न ऑन द बेसिस ऑफ अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ इंस्टेंसेस, परहैप्स अ सिंगल वन एंड विदाउट एनी काइंड ऑफ फॉर्मल डेफिनेशन, वेयर एज अ फीचर्ड बेस्ड डेफिनेशन वुड बी वेरी मच हार्डर टू लर्न सिंस एज मच लार्जर नंबर ऑफ केसेस। अब क्या एक बात यहाँ पे समझिएगा, वो कहता है कि जब भी प्रोटोटाइप का जिक्र करना होता है ना, तो हम एक चीज का जिक्र करते हैं और उसके साथ बड़ी चीज तक हम फौरी तौर पर पहुंच जाते हैं। मिसाल के तौर पर आप चिड़िया को उड़ते हुए देखते हैं, फौरन आपके जहन में आ जाता है कि इट इज स्पैरो, मेंबर ऑफ स्पैरो फैमिली, ठीक है, आपके जहन में उसके फीचर्स का जिक्र नहीं आता, उसकी डेफिनेशन और वजाहत नहीं आती। तो प्रोटोटाइप क्या करता है, प्रोटोटाइप चीजों के अपेरेंट स्ट्रक्चर या अपेरेंट अंडरस्टैंडिंग जो भी किसी भी जुबान के अंदर, किसी भी मुआशरे के अंदर उस चीज के बारे में बनी हुई है, उसका हमें आइडिया दे देता है प्रोटोटाइप। अच्छा, फिर आगे लिखे, अकॉर्डिंग टू हडसन प्रोटोटाइप थीरी में इवन बी अप्लाइड टू द सोशल सिचुएशंस इन विच स्पीच अकर्स। अच्छा, अब ये प्रोटोटाइप का जो चक्कर है ना, सोशियो लिंग्विस्टिक्स में, सोसाइटी में, सोशल कॉन्टेक्स्ट में भी इस्तेमाल हो जाता है। मसलन कैसे हो जाता है, मैं फर्ज कर रहा हूँ एक्सट्रीमिस्ट सोसाइटीज के अंदर होता है, मैं यहाँ पे बैठ के अगर एक लफ्ज बोलूँ ना यहूदी, आपके जहन में फौरी तौर पे इसराइल का, नफरत का, थर्ड वर्ल्ड वॉर का, जिनको कुछ थोड़ा सा इलम है, ये शिर्क के कॉन्सेप्ट आना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब है कि जो यहूदी है वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इन सारी खसूसियात का हामिल है, आपने फटाफट उसको प्रोटोटाइप बना लिया। अच्छा, उससे रिलेटेड किसी और, क्योंकि इंडिया है, इंडिया के साथ आपकी दुश्मनी है, बाकी चीजें, और इसराइल है, इसराइल के साथ आपकी दुश्मनी, अब आपने प्रोटोटाइप सोशलिस्ट को बना लिया। इसके अलावा भी तो बहुत सारे मजाहिब के लोग थे, लेकिन उसको आपने उस तरह कंसीडर नहीं किया। सोशली इसी तरीके से प्रोटोटाइप बन जाते हैं। एक इलाका है, एक इलाके का बंदा बिजनेस में फ्रॉड करके भागा, कुछ अरसे के बाद उस इलाके का बंदा फिर फ्रॉड करके भागा, अब उस इलाके के लोग प्रोटोटिपिकल हो गए हैं कि ये लोग कारोबार जब करते हैं धोखा देके चले जाते हैं। अब उसके बाद अगर 50 लोग भी मार्केट में ईमानदार उस इलाके से आ जाएंगे, तो जिन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ हुआ है उन्होंने मार्केट के अंदर ये बात लोगों को इंश्योर करवा दी है कि इस इलाके से आने वाले लोग जो हैं वो लुटेरे ही होते हैं, वो कारोबार में पैसा डालते हैं और सारा पैसा ले ले उड़ते हैं। अच्छा, अपना सोशली देखिए अंडरस्टैंडिंग, प्रोटोटाइप यही है ना कि एक चीज का जिक्र किया जाता है तो इसके साथ पूरी टाइप आपके सामने खुल के आ जाती है। ये भी ऐसे ही हो रहा है, एक टाइप के शख्स का जिक्र किया जा रहा है तो पूरी टाइप जो एक्सपीरियंस बेस्ड है वो आपके सामने खुल के आ जाती है। अच्छा, इसके बाद वो कहते हैं कि प्रोटोटाइप थ्योरी देन ऑफर्स अस अ पॉसिबल वे ऑफ लुकिंग नॉट ओनली एट हाउ कॉन्सेप्ट
मे बी फॉर्म्ड एट द कॉग्निटिव डायमेंशंस ऑफ लिंग्विस्टिक्स बिहेवियर बट आल्सो एट हाउ वी अचीव आवर सोशल कॉम्पिटेंस इन द यूज ऑफ द लैंग्वेज। कहते हैं कि जब हम प्रोटोटाइप की थीरी का जिक्र करते हैं, प्रोटोटाइप की थीरी को अपने सामने लेकर आते हैं, तो हमें वो ये तो पॉसिबिलिटी देती है कि देन ऑफर्स अस अ पॉसिबल वे ऑफ लुकिंग नॉट ओनली एट हाउ कॉन्सेप्ट मे बी फॉर्म। वो ये नहीं देती कि कॉन्सेप्ट हमारे कैसे बनते हैं, एट द कॉग्निटिव डायमेंशंस ऑफ लिंग्विस्टिक्स बिहेवियर बट आल्सो एट हाउ वी अचीव आवर सोशल कॉम्पिटेंस इन द यूज ऑफ लैंग्वेज। हमारे दिमाग के अंदर जो लैंग्वेज है, हमारे दिमाग के अंदर जो अल्फाबेट्स हैं, हमारे दिमाग के अंदर जो सिमेंटिक्स के ढेर सारे फीचर हैं, इनको हम कुछ खास चीजों के साथ रिलेट करते हैं। अच्छा, उसके साथ हम अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं, हम फिर अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर हम अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो प्रोटोटाइप आपको मदद करता है चीजें समझने में भी, कि मिसाल के तौर पर स्नो का जिक्र कर देते हैं तो लैंग्वेज के अंदर स्नो इस्तेमाल हो रहा है, तो बाकी वेदर, रेन, हिली एरियाज, ग्लेशियर्स, ये सारी चीजें आपके जहन में आ जाती हैं। मैंने कारोबार की बात की थी, इसी तरीके से रिलेशंस की बात कर लेते हैं कि किसी खानदान ने दूसरे खानदान के साथ अगर रिश्ता जोड़ना है तो सबसे पहले जाके वो उनसे उनका पूछेंगे, जी आपकी बरादरी क्या है, अगर तो बरादरी काबिल कबूल लगी फिर तो बात आगे चलाएंगे, नहीं तो लोग वहीं से वापस होना शुरू हो जाएंगे। क्यों? कि इस बरादरी में ये खसूसियात पाई जाती हैं, यानी कि प्रीसपोज पहले ही उसके बारे में कुछ मालूमात हैं। तो अब ये जो प्रोटोटाइप है, ना सिर्फ इसका ताल्लुक चीज़ों के साथ है, चीज़ों के नामों के साथ है, जैसे मैंने बर्ड वगैरह का जिक्र किया था, बल्कि इसका ताल्लुक पूरे के पूरे सोशल फिनोमेना के साथ है। हम चीज़ों को, हम कॉन्सेप्ट्स के साथ भी बाज़ हम ऐसे ही करते हैं ना, कि एक कॉन्सेप्ट को एज होल सब पर अप्लाई करके समझ लेते हैं कि ये वाला कॉन्सेप्ट होगा तो इस तरह की चीज़ फ्लां राइटर की फ्लां राइटिंग में पाई जाएगी। तो प्रोटोटाइप ये होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोटोटाइप टुडे। इफ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन अबाउट प्रोटोटाइप, यू कैन आस्क मी हियर और यू कैन आस्क द क्वेश्चन इन द कमेंट्स ऑफ YouTube एज वेल।